बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि उनकी अरबों की संपत्ति और तकरीबन 67 देशों में फैले डेरों चल अचल संपत्ति का वारिस कौन होगा। राम रहीम के उत्तराधिकारी की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, हालांकि वह खुद नहीं चाहता कि उसका कोई उत्तराधिकारी बने। पंचकुला के सेक्टर 23 में बने डेरे पर मंगलवार को पुलिस के जवान पहुंचे और पूरे डेरे की तलाशी ली। वहां उन्हें आलिशान सोफे, बेस कीमती क्रॉकरी, दीवारों पर सुनहरी पेंटिंग और बाबा के बैठने के लिए खास गोल्डन कलर का सोफा मिला। सोफे की तकरीबन कीमत 1.5 लाख रुपए है। यह नजारा है गुरमीत राम रहीम के एक बेहद ही छोटे से डेरे का। सवाल यह खड़ा होता है कि जब पंचकुला में एक बेहद छोटे से डेरे में इस तरह की सुख सुविधाएं हैं, तो उस मुख्य डेरे का क्या हाल होगा जो 700 एकड़ में फैला है और जिसमें 15 एकड़ में बाबा का आलिशान बंगला है जिसमें उनकी तथाकथित गुफा भी शामिल है। इस डेरे की कीमत कितने करोड़ रुपए की होगी अभी इसके बारे में बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। राम रहीम के डेरे दुनिया के अलग अलग 67 देशों में हैं। इसके अलावा पूरे देश में उसके सैकड़ों छोटे मोटे डेरे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि बाबा के वारिसों में सबसे पहले नाम आता है हनीप्रीत सिंह का, जो कि बाबा की दत्तक पुत्री है। दूसरे नंबर पर बाबा की असली दो लड़कियां चरणप्रीत कौर और अमरप्रीत कौर, बेटा जसमीत तथा माता नसीब कौर है। परिवार चाहता है कि बाबा की कुर्सी पर अब उनके बेटे जसमीत को बिठाया जाए, लेकिन अंदर के सूत्रों और बाबा के करीबी रिश्तेदारों से पता चला है कि राम रहीम नहीं चाहता कि अभी उसकी गद्दी किसी को भी सौंपी जाए। वह चाहता है कि गद्दी सौंपने के बजाय एक कमेटी बना दी जाए और असली अधिकार बाबा के पास ही रहे। इसके पीछे राम रहीम की ये सोच हो सकती है कि अगर जसमीत या किसी को भी डेरे की कमान सौंपी गई तो सबका ध्यान बाबा से हट जाएगा और बाबा की कानूनी कार्रवाई की पैरवी करने वाला कोई नहीं बचेगा। कमेटी बनी रहेगी और अधिकार राम रहीम के पास रहेंगे तो परिवार के लोग उसे बाहर निकालने के लिए कोशिश करते रहेंगे। बाबा के शाही परिवार का हिस्सा और उनके रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह गोरा ने इस बात की पुष्टि की है।